अस्सलाम वालेकुम जाजिस स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं फिर से सुजुकी बुलान के बारे में। ये आप देख सकते हो ये ब्रांड न्यू सुजुकी बुलान है। इससे पहले मैंने आपको जो सुजुकी बुलान का वीडियो दिखाया था उसमें आपको ये एक्सेसरीज नहीं थी शो हो रही, मतलब कोई चीज़ें लगी हुई नहीं थी। जो चीज़ें आपको कंपनी की तरफ से मिल रही थी बस वही चीज़ें थी, लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको इस गाड़ी की जो एक्सेसरीज है उनके बारे में बताऊँगा कि जो चीज़ें आपको कि कौन सी चीज़ें आप कंपनी से लगवा सकते हो और उसके कितने पैसे होंगे। तो ये आप देख सकते हो ये फ्रंट पर आपको एक सेफ गार्ड मिल रहा है गाड़ी के अंदर, ये सुजुकी बुलान के अंदर, जो कि आपको पीछे से नहीं मिलता गाड़ी के अंदर। मतलब आपको ये एक्सेसरीज़ के तौर पे बाद में लगवाना पड़ता है, या चाहे वो आप सुजुकी से लगवाएं या बाहर से लगवाएं, आफ्टर मार्केट लगवाएं, आपको लगवाना पड़ता है। जिस सुजुकी बुलान के अंदर आपने ये चीज़ें देखी होंगी सुजुकी बुलान वगैरह, वो आपको कंपनी की तरफ से ऑफिशियली नहीं मिलती इस गाड़ी के अंदर, आपको कंपनी को ज़्यादा पैसे दे के बाद में लगवानी पड़ती हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नीचे अच्छे से कमेंट कर दें और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। बाकी आपने करने का अपनी मर्जी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सुजुकी बुलान का, क्योंकि मेरे जो पिछले सबसे फेमस वीडियो था वो सुजुकी बुलान का था। तो आप में से बहुत से लोग कह रहे थे इसके एक्सेसरीज वगैरह का वीडियो बना के हमें दिखा दो, तो आज इस वीडियो में हम इस बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो फ्रंट से शुरू करते हैं। तो ये आप देख सकते हो सुजुकी बुलान के फ्रंट लुक, जहाँ पर आप ये फ्रंट पर सुजुकी बुलान का सेफ गार्ड लगवा सकते हैं, जो कि डिज़ाइन इस तरह का है। इस मेरे ख्याल से इसे अलग भी लगवा सकते हो, लेकिन इस गाड़ी के अंदर जब जो चीज़ें लगी हुई हैं मैं आपको वही बताऊँगा। सुजुकी बुलान के बारे में बात करें तो वही फ्रंट पे लाइट्स मिलती हैं और ये फॉग लाइट्स नीचे मिल इंडिकेटर लाइट्स मिलती हैं, फॉग लाइट्स गाड़ी के अंदर नहीं मिलती। और ये आप देख सकते हो ये 2019 का है, पुराना नहीं है। तो इस गाड़ी के बारे में ज़्यादा बात करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जो आप गाड़ी देख रहे हो ये किसी कस्टमर के लिए गाड़ी तैयार की गई है सुजुकी कंपनी की तरफ से, मतलब कोई बैंक है उसके लिए उन्होंने गाड़ी तैयार की है, जिसके वजह से इसके अंदर ये एड ऑन चीज़ें लगवाई गई हैं, एडिशनल चीज़ें लगी हुई हैं, जो कि उन्होंने अलग से पैसे लिए सुजुकी वालों ने। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं खुद नहीं ये गाड़ी ले रहा, बस किसी ने ली है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा फेमस वीडियो यही है सुजुकी बुलान का। तो मुझे पता है कि आवाम किस तरह इस गाड़ी को चाहती है, क्योंकि मैं तो नहीं चाहता, आवाम चाहती है। तो अब बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर के बारे में। तो गाड़ी के अंदर आपको जो इंटीरियर मिलता है वहाँ पर आप भी ये देखें, तो गाड़ी का जो हैंडल है वहाँ पर उन्होंने उसका कवर दिया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा है मेरे ख्याल से। जितना मैं लंबा हूँ मेरे यहाँ पर लेग्स ही नहीं आनी, तो मैं यहाँ पे सीधा होकर बैठ भी नहीं सकता। और यह उसका और उसके बाद गाड़ी के अंदर यह सिस्टम मिल रहा है, और ये गाड़ी का ग्लव बॉक्स है, ये भी उन्होंने आफ्टर मार्केट ही को लगवाया है, क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी पीछे से तो नहीं आती, उन्होंने अलग से पैसे दिए होंगे मेरे ख्याल से। तो ये गाड़ी की डैशबोर्ड है सुजुकी बुलान की, और ये साइड है, ये पावर स्टीयरिंग नहीं है, सिंपल स्टीयरिंग है। और ये मीटर आप देख सकते हो, मीटर के अंदर कोई भी चेंज नहीं की गई, हेजलाइट का बटन है, अगर कहते हो तो मैं ऑन करके आपको एक दफ़ा हेजलाइट दिखा देता हूँ। तो ये हेजलाइट ऑन करके दिखा देता हूँ गाड़ी की, तो ये आप देख सकते हो ये गाड़ी की हेजलाइट्स ऑन हैं। तभी गाड़ी की हेजलाइट बंद करते हैं, ये देखें साइड पर भी हेजलाइट लाइट है, जो कि हेजलाइट को ऑन होगी या इंडिकेटर के वक्त ऑन होगी। तो ये मैंने सारी चीज़ें आपको फ्रंट से दिखा दी हैं, पहले इस गाड़ी का वीडियो बना हुआ है तो ज़्यादा बात नहीं करते, जो चीज़ें लगी हुई हैं उनके बारे में बात करते हैं। फ्रंट पे आपको सेफ गार्ड मिल रहा है, यहाँ पे आपको कवर मिल रहा है, जो कि इस गाड़ी का जो हैंडल है उसे थोड़ा सा प्यारा बना रहा है, वैसे तो कोई मजे की चीज़ नहीं हैंडल के अंदर। गाड़ी का बैक डोर ओपन करते हैं, तो बैक पर जो आपको सीट मिलती हैं ये भी अलग से लगवाई गई हैं पैसे दे के। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सुजुकी बुलान के अंदर जो सीट है वो एक सीट आती है कंपनी की तरफ से, जो कि यहाँ पे सेट हुई होती है। अभी आप देखेंगे तो कंपनी तभी आप देखेंगे कस्टमर ने इस गाड़ी के अंदर एक सीट यहाँ पे लगवाई है और एक यहाँ पे लगवाई है, जो कंपनी की तरफ से सीट आती है वो उन्होंने हटाई दी है। इसकी कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल सीट्स हैं। बस एक चीज़ इस गाड़ी के अंदर होती तो मज़ा आ जाना था, इस गाड़ी की जो बैक सीट है वो थोड़ी ऊपर होती है, मतलब यहाँ तक होती बंदा आराम से बैठ सकता, ताकि बंदा आराम से बैठ सके, लेकिन ये सीट का जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा है। और गाड़ी के अंदर एसी भी नहीं लगा हुआ, जो कि आफ्टर मार्केट लग सकता है, सुजुकी कंपनी खुद ऑफर नहीं करती, लेकिन आफ्टर मार्केट ये चीज़ें लग सकती हैं। यहाँ पर आपको गाड़ी के अंदर बैक पर ये लाइट्स मिल रही है, और ये जो सीट्स हैं वही मिल रही हैं, जो कि अलग पैसे देख लगवाई गई हैं। ये एक्सेसरीज़ हैं, ये चीज़ एक्सेसरीज़ में आ जाती है, क्योंकि आफ्टर मार्केट में आ जाती है, क्योंकि ये आफ्टर मार्केट की सारी चीज़ें लगी हुई हैं। और बाकी चीज़ें तो वही सेम है, ये आप देख सकते हो। बाकी और इस गाड़ी के अंदर कोई भी दिखाने वाली चीज़ नहीं है, गाड़ी की बैग दिखा देते हैं एक दफ़ा। यहाँ पे मैंने आपको जो चीज़ें बतानी थी बता दी हैं, बस ये सीट्स उन्होंने आफ्टर मार्केट लगवाई हैं, वो कवर लगवाया और फ्रंट पे सेफ गार्ड लगवाया। अभी जो बैक पर देखते हैं बैक पर क्या चीज़ लगवाई गई है और क्या नहीं लगवाई गई। और एक और चीज़ मुझे याद आई, जो कि मुझे बताया था उन्होंने कि लगवाई है, तो वो भी दिखा देता हूँ। वो है जी गाड़ी का ये वाला
तो उन्होंने एक और चीज़ बताई थी मुझे, वो ये चीज़ है, ये भी लगवाई गई है आफ्टर मार्केट, इसे मुझे नहीं पता क्या सनवाइज़र कहते हैं या क्या कहते हैं, मुझे नाम याद नहीं है। ये चीज़ भी लगवाई गई है, वाइज़र वगैरह लगवाए गए हैं, तो ये भी आफ्टर मार्केट है, सनराइज लिखा हुआ है, ये भी आफ्टर मार्केट है। तो यहाँ पे भी आपको साइड पे भी एक सेफ गार्ड मिल रहा है, ये आप देख सकते हो, ये भी आफ्टर मार्केट, ये भी बाद में लगवाया गया शायद, मेरे ख्याल से मुझे पता है, जितना मुझे पता है ये आपको कंपनी की तरफ से गाड़ी के अंदर नहीं मिलता। तो अभी तक 5 चीज़ें हो गई हैं जो कि कस्टमर ने लगवाई हैं, फ्रंट पे सेफ गार्ड, साइड सेफ गार्ड, ये वाइज़र, और ये अंदर हैंडल का कवर, और ये गाड़ी के अंदर जो सीट्स हैं उनका जो कुशनिंग है वो सीट वगैरह चेंज की गई हैं, आफ्टर मार्केट सीट्स हैं। उसके बाद बात करें अभी गाड़ी की बैक लुक के बारे में, तो बैक पे आप देखेंगे तो बैक पे भी आपको ये मिल रहा है गाड़ी का सेफ गार्ड, जो कि बाद में लगवाया गया है आफ्टर मार्केट। अभी आप देख सकते हो नया सुजुकी बुलान है, ये बैंकर सुजुकी बुलान है, जो कि जितना मुझे पता मुझे कंफर्म नहीं है। उसके बाद ये देखें तो ये मड गार्ड भी लगाए गए हैं गाड़ी के अंदर, मगर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें गाड़ी के अंदर लगाई गई हैं जो कि सुजुकी बुलान के अंदर, ये सारी चीज़ें आफ्टर मार्केट हैं। सुजुकी बुलान की जो ऑफिशियल प्राइस है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, और साथ जो एडिशनल प्राइसेस देके और साथ जो एडिशनल पैसे देके गाड़ी की चीज़ें लगवा सकते हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, ये वाइज़र वगैरह और प्राइसेस आपको शो हो रही होंगी जो कि आप लगवा सकते हो यहाँ पे। तो यही था आज का वीडियो, तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो यही था आज का वीडियो, और मुझे बताइएगा अगर सुजुकी बुलान के अंदर आपको ये चीज़ें लगी हुई कैसी लग रही हैं। मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर ये कंपनी की तरफ से होता तो फ्री होता तो ज़्यादा बेहतर था। तो ये था आज वीडियो, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें नीचे। ओके, अल्लाह हाफिज़।